ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर सोमवार से सभी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया। पॉल्यूशन, प्रदूषण इतना ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ चुका है कि एक हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स भी पूरी तरीके से बंद, वो भी 17 नवंबर तक ये बंद रहेंगे। और यहाँ सीएम केजरीवाल ने कहा है कि प्राइवेट वाहनों को बंद करने पर भी विचार हो रहा है, यानी कि दिल्ली वासी को आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। प्रदूषण इस कदर ज्यादा हो चुका है दिल्ली में, AQI इंडेक्स इतना ज्यादा हो चुका है। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%, तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे, अभी लगा नहीं रहे हैं। दिल्ली की हवा में बढ़ रहा यह है, राजधानी में सांसों पर आपातकाल, सुप्रीम फटकार, कुछ तो करो सरकार। क्या दिल्ली NCR में लगेगा लॉकडाउन? ये जहरीली सांस जान ले लेगी। दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है जो दिल्ली में रहने वाले हर इंसान को बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर रही है। दिल्ली NCR में दिनों प्रदूषण ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली की दिन पर दिन जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपके पास इमरजेंसी प्लान क्या है, इमरजेंसी उपाय के लिए क्या योजना है, 2 दिन का लॉकडाउन लगा सकते हैं, AQI कम करने के लिए आपके पास क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाया है और कहा कि स्कूल खुले होने से बच्चे खराब हवा में बाहर निकलने को मजबूर हैं। सरकारों ने एक बार फिर पराली को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि वे पराली को जलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि पिछले 5-6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वो पंजाब में पराली जलने की वजह से है। इस पर चीफ जस्टिस रमना ने सरकार से पूछा, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि सिर्फ पराली जलाने से ही प्रदूषण हो रहा है, उससे सिर्फ कुछ प्रतिशत ही प्रदूषण फैल रहा है, बाकी का क्या? जिस पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ किसान ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसानों को इंसेंटिव नहीं मिला तो बदलाव आने की गुंजाइश कम है, किसी चीज पर ऐसे ही अमल नहीं किया जा सकता। तुषार मेहता ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार धूल को रोकने के लिए कदम उठा रही है, इसमें राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, यह एक मिली जुली जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें भी सोमवार को इस मामले में एफिडेविट फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पॉल्यूशन से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी राज्यों और केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने पर उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।